विरोधी दल विरोधी दल आपने आपने साबित कर दिया टाइगर जिंदा है, जिंदा है इधर चलेंगे। बिल्कुल 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 ये देखिए राम पे राम जी के समर्थक, ये देखिए ये मोहब्बत देख लीजिए। जितनी बड़ी जीत जनता ने दिल में रखी है राम परिणाम जी को, और राम परिणाम जी हमेशा उनके दिल में रहेंगे। लोकल जर्नलिस्ट कह रही थी राम जीतेंगे 100% राम जी जीत गए हैं, और आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग जीते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गोले भाई है, गोले भाई क्या कहेंगे? हम लोग जीत गए, और क्या कहेंगे? चाचा हम लोग जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। चलिए चलिए मानुषे जय। आज के गणतंत्र हिसाबे मानुष वोट दिए छे মমতা ব্যানার্জি के हाथ के शक्तिशाली करे छे। এই জয় মানুষের জয়, মানুষের জয়, মানুষের জয়, মানুষের জয়। জিতে গেছে, এইটা আমাদের উইনিং ক্যান্ডিডেটস আছে। মমতা ব্যানার্জি কে জিত হ্যাঁ, ये खुशियां सब हमारी दीदी के घर वालों की खुशियां है। जीत हुआ है 75 नंबर, 55 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। आप देख सकते हैं माँ माटी मानुष का जीत नहीं, ये हर एक आवाम का जीत है। और देख सकते हैं आप लोग कितने सारे क्राउड है यहाँ पे। क्या कहेंगे भैया इतनी बड़ी जीत, क्या कहेंगे? ये वही होता है, असल में देखा जाए, असल में देखा जाए तो दीदी का जो कारनामा है, हम लोग आए दिन कलकत्ता शहर के अंदर देख रहे हैं। जिस तरह से कॉरपोरेशन का जो इंतजाम है, जिस तरह का कामकाज है, जो पब्लिक को डायरेक्ट सीधे तौर पर मिल रहा है, उसी का ही सिलाई आज पब्लिक ने वोट की शक्ल में ममता बनर्जी को दिया। और अपना विश्वास जताते हुए टीएमसी को और ममता बनर्जी को अपना दोनों हाथों से उठाकर अपने दुआएं और उनको जो है ताकत फिर से एक दफा बख्शा आने वाले 5 सालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? पश्चिम বাংলা যে উন্নয়নের ধারা চলছে, সেই উন্নয়নের ধারা কলকাতাও বজায় রেখেছে। মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমাদের যে কলকাতা কর্পোরেশনে যে জিত হয়েছে, যে মানুষ নির্বাচন করেছে, তৃণমূল জোড়া কলকে বিপুল ভোটে জয় করেছে, এটা পশ্চিম বাংলা কলকাতা মানুষের জয়। शहीमा रिहान खान का बहुत बड़ा जीत, ऐतिहासिक जीत। 16,000 वोट से कभी भी 77 नंबर वोट का काउंसिलर कभी कोई जीता नहीं। ऐतिहासिक जीत है 77 नंबर वोट के लिए, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक नंबर वोट से भी नियामुद्दीन साहब ऐतिहासिक जीत जीता है। निजाम भाई ने इतिहास किया, बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, ये ऐतिहासिक जीत 80 नंबर वार्ड का नौजवानों का जीत है। ये जीत माँ बहनों का जीत है, ये बुजुर्गों का जीत है, हमारे साथियों का जीत है। जो 80 नंबर वार्ड में हम लोगों ने काम किया था उसका ये रिजल्ट है। और 80 नंबर वार्ड का जनता ये आशीर्वाद के रूप में हमें 6,000 मतों से जिताया है। और आपने कहा था शाम 5
जीत होती। और ये हमने कहा था और ये वोट ये जीत 80 नंबर वार्ड का जनता का जीत है, माँ बहन का जीत है, भाइयों का जीत है, बुजुर्गों का जीत है, नौजवान साथियों का जीत है। जो हम लोगों ने काम किया है, ममता बनर्जी का प्रकल्प, द्वारे सरकार, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर जनाब फिराद हकीम, कोलकाता पोर्ट के विधायक जनाब फिराद हकीम का सहयोग से जो काम हुआ है उसी काम का नतीजा है। वो भी हकीम साहब का मदद अगर नहीं होता तो 80 नंबर वार्ड में इतना विकास हम नहीं कर पाते। उन्हीं का बदौलत आज ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है और ये रिजल्ट काम के ऊपर में ये जन सैलाब आपके साथ बहुत कुछ बयां कर रहा है अनवर भाई। ये प्यार है, ये इनका प्यार है और ये प्यार सबों का प्यार मिलता है। और आप देख लो एक रंग में सारे रंग में है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, एक रंग में सारे रंग है, सारे रंग में एक है, एक है सिर्फ 80 नंबर वार्ड। विकास 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 का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया टीएलसी लोकल को। मैं सबसे पहले 75 नंबर वार्ड के आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके 50 साल से वामपंथियों ने उन्हें बंदी बना के रखा था, अपने आप को आजाद। आप अपने टीम को क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? मैं अपनी पूरी टीम को, तृणमूल कांग्रेस को, पार्टी को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब फिराद हकीम भरोसा करके 75 नंबर वार्ड में 50 साल से लालगढ़ था, उसको उखाड़ने की जिम्मेदारी दी थी। अब आइंदा इंशाअल्लाह ताला रहमान 5 साल तक वार्ड का उन्नयन करूंगा। ये सब दीदी और बोबीता का करिश्मा है। अरे भाई थोड़ा सा बोलने दीजिए भाई, अभी बोलने जनता का भीड़ आपके पास, ये जो प्यार क्या कहेंगे इसको लेकर? ये लोगों का प्यार है जो आज खुशी की शक्ल में, जीत की शक्ल में सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम साहब। आज जो 50 साल का गढ़ लाल किला को आज हम लोग मिल के
पूरा बॉबी हकीम की कामयाबी से आज हम लोगों का तृणमूल कांग्रेस का जीत हुआ है। आज तृणमूल कांग्रेस ये साबित कर दिया है। डॉक्टर साहब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस जीत को लेकर? कौन सी जीत? आज ऐतिहासिक जीत। हाँ, बहुत ऐतिहासिक जीत है। 55 साल का किला फतह, वहाँ के लोगों ने 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है और निजामुद्दीन शम्स पे जो भरोसा जताया है, इंशाअल्लाह ताला निजामुद्दीन शम्स अपने आवाम के इस भरोसे को पे पूरा उतरेगा, ये मुझे यकीन है। क्योंकि 2005 से लेकर अभी तक निजामुद्दीन शम्स पे जब भी जहां भी वहां के लोगों ने भरोसा किया है, उनके भरोसे और एतमाद को उसने कभी तोड़ने नहीं दिया है। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, 75 नंबर वार्ड को बहुत आगे जाना पड़ जाएगा। 75 नंबर वार्ड के लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि निजामुद्दीन शम्स पे जो भरोसा और इतमाद आपने किया है, निजामुद्दीन शम्स उसको निभाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पूरी टीम की मेहनत रही, क्या कहेंगे अरविंद साहब? सबसे बड़ी बात है कि ये जीत ममता बनर्जी की जीत है, फिराद हकीम की जीत है, हमारे निजाम भाई की जीत है और 75 नंबर वार्ड की जनता की जीत है। जी, 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 जी। क्या कहेंगे नासिर भाई, बोलिए। आज ये जीत, आज ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में काम करती है, आज उस काम को देखते हुए है 75 नंबर वार्ड में जो 50 साल का जो राज चल रहा था, 50 साल का जो किला जिसे कहा जाता था सीपीएम का, आज कहीं वो ढक गया, कहीं ना कहीं नहीं उसे ढक के हम लोग बाबू घाट के घाट में हम लोग जाके उसको फेंक के आए हैं। वजह यही है कि ममता बनर्जी का लहर, बॉबी हकीम का विकास का लहर आज भी जारी है और आज भी ममता बनर्जी और बॉबी हकीम के ऊपर भी आज भी लोगों का विश्वास है। ममता बनर्जी फिराद हकीम इसी तरह काम करते रहे और आवाम उनको इसी तरह जिताते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। সমাধি কত ভাই, কত উৎসাহিত আছেন দিদি? উৎসাহিত দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে লোকেদের, আমাদের ভাইদের দাদাদের দেখতে পাচ্ছেন কিরকম উৎসাহ এনাদের হচ্ছে। প্রায় 21,000 লিড হয়েছে, সমস্ত রেকর্ড ব্রেক হয়ে গেছে। একটা রেকর্ড মার্জিন দিদি, রেকর্ড মার্জিন একদম বড় নাইনে পুরোটাই। দিদি আপনার আপনার সমর্থকদেরকে কি বলবেন? সমর্থকদের বলবো এরা যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছে, আগামী 5 বছর আমি এদের সঙ্গে এইভাবেই থাকবো, মিলেমিশে থাকবো, একসঙ্গে কাজ করবো। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 78 नंबर वार्ड के आवाम का, जिस तरीके से निजाम बॉबी हकीम के नेतृत्व में वोट दिया है, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं 78 नंबर वार्ड के। सामने क्या कहेंगे निजाम भाई की एक मेहनत भी रही है बहुत बड़ी। निजामुद्दीन शम्स का बहुत बड़ा काम का अंजाम का तो दाम मत ही पूछिए। 78 नंबर को जैसा सुधारा सवारा, जैसे 75 में भी किला फतेह कर दिया लाल का, और 75 नंबर को भी वो अब सुधारेगा, सजाएगा, समझे ना। हमारा गर्ल्स कॉलेज बनाया, आपका हेल्थ सेंटर बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया, बहुत सारे स्कूल हमारे इलाके में जो सबसे ज्यादा स्कूल 78 नंबर में है, निजामुद्दीन सब ने बॉबी हकीम के जरिया, ममता बनर्जी के जरिया जो काम किया है, सन 1947 से लेके 2011 तक कोई काम नहीं किया, 2011 से लेके जो काम ममता बनर्जी ने सारे बंगाल और कलकत्ता शहर को सजाया, आइंदा आने वाला दिन इससे भी बेहतर सजाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड बोलिए, क्या बोलिएगा बोलिए। 50 साल पुराना लाल किला उखाड़ के फेंक दिया निजाम भाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नौशाद भाई हैं, इस्माइल भाई हैं, बहुत पुराने, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? आवाम की जीत है 78 नंबर वार्ड की। ये निजाम भाई ने बहुत सारा काम किया है, 5 सालों में इतना काम किया है कि लोगों ने वोट दिया है, और 78 नंबर वार्ड हमेशा काम के बिना पर वोट देती है। काम किया है इसलिए वोट मिला है।
क्या कहेंगे इस्माइल भाई? निजाम भाई के काम के वजह से ये लीड बहुत बड़ा लीड मिला है हम लोग को इंशाल्लाह। अब हम लोग जिस काम छोड़ के गए हैं निजाम भाई, वो काम हम लोग पूरा करने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे, तमाम कैंडिडेट से बात कराने की कोशिश कर रही थी द लोकल जर्नलिस्ट साहब को, एक एक छोटी छोटी खबरें जो हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स इलेक्शंस की आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है द लोकल जर्नलिस्ट, पूरी कोशिश पूरी मेहनत से। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।